गुड मॉर्निंग क्लास फाइव स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल यू आर हैप्पी एंड फाइन एट होम. मी वीना रानी फ्रॉम विजडम स्कूल. बच्चों, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? ये पत्र लेखन. पत्र लेखन ये आपने पिछली क्लासेस में भी किए हुए हैं, प्रीवियस क्लासेस में, है ना. पत्र कैसे लिखना होता है, सारा आपको तरीका पता है लिखने का. लेकिन जैसा कि हम बार 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 रिवीजन करते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, तभी हमारे माइंड में रहता है, अदरवाइज हम भूल जाते हैं. तो टाइम टू टाइम हर चीज को लर्न करना जरूरी होता है. तो आज मैं आपको पत्र करवाऊंगी. पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र. आपको ये भी पता है, पत्र में जो है भेजने वाले का पता, जिसको भेजना होता है उसका नाम वगैरह, दिनांक, सारा कुछ ये जरूर लिखना होता है. और पत्र की भाषा जो है सरल और संक्षिप्त. संक्षिप्त मतलब छोटी, थोड़ा छोटा, मतलब जितना हो सके कम शब्दों में अपनी बात ज्यादा से ज्यादा कहने की कोशिश करनी होती है. और वो उसकी भाषा जो है बिल्कुल सरल होनी चाहिए. अब मैं बात कर रही थी कि पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र. अब इनमें फर्क क्या होता है? औपचारिक पत्र तो वो होते हैं जो कार्यालयों में लिखे जाते हैं, कार्यालयों के लिए, ठीक है. जैसे स्कूल में आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हो, कोई भी प्रार्थना पत्र लिखते हो आप स्कूल के लिए. और सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी कार्यालय या प्राइवेट कार्यालय, निजी कार्यालय जो होते हैं, प्राइवेट निजी और सरकारी दोनों कार्यालय, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, नगर पालिका. और निजी विभाग जो होंगे, जैसे आप एक कोई कोचिंग सेंटर बना हुआ है मान लो, ठीक है, आपने उस के अधिकारी को पत्र लिखना है, तो वो भी औपचारिक ही माना जाएगा, ठीक है. एक प्रॉपर कार्यालय खुला हुआ है, जगह बनी हुई है, प्रॉपर एक स्थान बना हुआ है. तो जब हम किसी भी समस्या के लिए किसी भी प्राइवेट या सरकारी कार्यालयों में जो पत्र लिखते हैं, वो जो क्या कहलाते हैं, औपचारिक पत्र. और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो हम अपने परिवार के किसी सदस्य को, रिश्तेदारों को, अपने मित्र को, अपनी सहेलियों को जो पत्र लिखते हैं, वो कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र. तो आज हम औपचारिक और अनौपचारिक, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र करेंगे. ये देखिए, पहले हम करेंगे औपचारिक पत्र. औपचारिक कौन से होते हैं? जो कार्यालयों में लिखे जाते हैं ना, चाहे वो निजी कार्यालय हो चाहे सरकारी. तो गंदगी की सूचना देते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र. अब ये तो सरकारी है ना, सरकारी कार्यालय है. आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां चारों तरफ गंदगी फैल गई है, बहुत ज्यादा गंद रहता है वहां पे, सफाई नहीं होती. तो इसके लिए आप नगर निगम अधिकारी है जो, उसको सूचना करेंगे, सूचित करेंगे. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अपना जहां आप रहते हैं वहां का पता, 280 कोमा शक्ति नगर, ये जहां आप रहते हैं वहां का पता हो गया, सिरसा, ठीक है. उसके बाद तिथि लिखेंगे, आज क्या तिथि है, 10 अक्टूबर 2020. उसके बाद जिसको पत्र लिखना है उसका पता, सेवा में नगर निगम अधिकारी, रानिया गेट, वहां पे जो कार्यालय जो है कहां बना हुआ है, रानिया गेट, ठीक है. इसमें ज्यादा आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि नहीं वहां नहीं है, वहां है, ये तो वहां नहीं बना हुआ.
बस एक जस्ट हमने एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप जहां आपने पत्र भेजना है उसका पता लिखेंगे। सेवा में नगर निगम अधिकारी को लिख रहे हैं ना, तो नगर निगम अधिकारी रानिया गेट सिरसा। महोदय, यहाँ आप महोदय भी लिख सकते हैं, महोदय भी कोई जरूरी नहीं है। नगर निगम अधिकारी पुरुष होए, वो स्त्री भी हो सकता है, हो सकती है, तो आप महोदय या महोदया दोनों में से कुछ भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। मैं शक्ति नगर, शक्ति नगर में आप रह रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि मैं जो है शक्ति नगर तथा आसपास के इलाकों में फैली गंदगी तथा सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। और लड़कियां लिखेंगी चाहती हूँ, चाहती, ठीक है। मैं शक्ति नगर तथा आसपास के इलाकों में फैली गंदगी तथा सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के विषय में आपको बताना चाहती हूँ, चाहता हूँ। यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सबसे पहले तो आप उनको सूचना दे रहे हैं कि मैं शक्ति नगर तथा आसपास के इलाकों में फैली गंदगी तथा सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, बताना चाहती हूँ। लड़कियां लिखेंगी चाहती हूँ। यहाँ जगह जगह क्या हो रहा है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तथा गलियों में यहाँ वहाँ कूड़ा फैला हुआ है, तथा गलियों में यहाँ वहाँ कूड़ा फैला हुआ है, गंद फैला हुआ है। सफाई कर्मचारी सप्ताह में एक बार भी सफाई नहीं करते। जो सफाई आपके विभाग की तरफ से जो सफाई कर्मचारी है वो सप्ताह, हफ्ते में, सप्ताह में एक बार भी सफाई नहीं करते, तथा नगर निगम की गाड़ी तो कितने दिनों तक दिखाई भी नहीं पड़ती, तथा नगर निगम की गाड़ी तो कितने दिनों तक दिखाई भी नहीं पड़ती। चारों तरफ बदबू फैली हुई है। जब कूड़ा करकट होगा तो बदबू तो फैलेगी, है ना, और उसके ऊपर मक्खी मच्छर भी आएंगे। मक्खी मच्छरों से बचना मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है, मक्खी मच्छरों से बचना मुश्किल हो गया है। आशा है कि आप इस विषय में अवश्य ही कार्यवाही करेंगे। आपने सूचना पहुंचा दी कि ये सब कुछ हमारे मोहल्ले में या आसपास के इलाकों में हो रहा है और चारों तरफ बदबू भी फैली हुई है, मक्खी मच्छरों से बचना भी मुश्किल हो गया है, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आशा है कि आप इस विषय में, किस विषय में, जो आपने ऊपर अपनी परेशानी बताई है, अवश्य ही कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। लड़के लिखेंगे भवदीय और लड़कियां लिखेंगी भवदिया। आपकी नोटबुक में एक ही चीज होनी चाहिए, लड़का है तो उसकी नोटबुक में भवदीय होना चाहिए, लड़की है तो उसकी नोटबुक में भवदिया होना चाहिए, और नीचे आपने अपना खुद का नाम लिखना है। ये हो गया हमारा औपचारिक पत्र। अब हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उसमें हम कौन सा पत्र लिख रहे हैं, रुपए मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र। अब आपको पिताजी को पत्र लिखने की क्या जरूरत है, पिताजी तो आपके साथ घर में ही रहते हैं, तो जरूरत कब है, क्यों है, क्योंकि आप स्कूल के हॉस्टल में, छात्रावास जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छात्रावास में रह रहे हैं, इसलिए आप अपने घर पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। तो आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं, छात्रावास द विजडम स्कूल खैरे का, ये आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। तो ये आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद तिथि, छात्रावास द विजडम स्कूल खैरे का तिथि। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, आदरणीय पिताजी, आदर देते हैं ना हम बड़ों को, पिताजी के लिए क्या लिखेंगे, आदरणीय पिताजी। सादर चरण स्पर्श, सादर
स प्लस आदर मतलब आदर सहित, स का मतलब सहित, आदर स प्लस आदर से मिलकर बना है सादर, तो आदर सहित, पापा का आदर करते हैं ना आप लोग, आदर सहित चरण स्पर्श। अब आप दूर है, पास होते तो चरणों को स्पर्श क्या होता है, छूना, छू लेते, लेकिन आप दूर है तो आप दूर से ही ये रिगार्ड कर रहे हैं, आप उनके लिए इज्जत कर रहे हैं कि सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, जिसमें पिताजी ने पूछा होगा है ना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो मम्मी पापा पूछते ही रहते हैं, तो वो क्या आपने क्या लिखना है, आपका पत्र मिला, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है तथा परिणाम नतीजा भी आपकी आशाओं के अनुसार ही आएगा, जैसा आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई में कामयाब बनूं, वैसे ही आप परिणाम जो है आपकी आशाओं, जो आपने उम्मीदें लगा रखी है मुझसे, उनके अनुरूप ही आएगा। अगले माह, माह क्या होता है, महीना, अगले माह हमारे विद्यालय की ओर से गोवा की यात्रा का कार्यक्रम है, मतलब स्कूल जो है ट्रिप पर लेके जाते हैं ना स्कूल, तो उनका आपका विद्यालय कहाँ लेके जा रहा है, गोवा। अगले माह, अगले महीने हमारे विद्यालय की ओर से गोवा की यात्रा का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जिसके लिए 4,000 रुपयों की आवश्यकता है, जरूरत है, जिसके लिए 4,000 रुपयों की आवश्यकता है। इस यात्रा पर जाने की मेरी बहुत इच्छा है, अभिलाषा, कामना, इस यात्रा पर जाने की मेरी बहुत इच्छा है, मेरे, मेरी, लड़के लिखेंगे मेरे और लड़कियां लिखेंगी मेरी, मेरे अन्य मित्र, ये पहले नंबर पे लड़कों के लिए लिखा है, तो ये मित्र भी मैंने पहले नंबर पे लड़कों के लिए लिखा है, लड़के लिखेंगे मेरे अन्य मित्र भी जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं, यहाँ आएगा है, मैं पीडीएफ ठीक करके दे दूंगी, यहाँ बना रहे, सॉरी यहाँ ठीक है, बना रहे है, नहीं ठीक है, मेरे लड़के क्या लिखेंगे, मेरे अन्य मित्र भी जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं, और लड़कियां क्या लिखेंगी, मेरी अन्य, मेरी अन्य सहेलियां भी जाने का कार्यक्रम बना रही हैं, ठीक है, यदि आप उचित समझे, उचित सही, यदि आप उचित समझे तो यह धनराशि, कौन सी धनराशि, 4,000 रुपये भेज दीजिएगा, यदि आप उचित समझे तो यह धनराशि भेज दीजिएगा। अब ये नेक्स्ट लाइन में लिखना है, अगली लाइन में लिखना है, माँ को मेरा प्रणाम तथा बहन को प्यार, माँ को मेरा प्रणाम तथा बहन को प्यार, लड़के लिखेंगे आपका बेटा और लड़कियां लिखेंगी आपकी बेटी, और नीचे आपने क्या लिखना है, अपना खुद का नाम, ये कौन सा पत्र हो गया, अनौपचारिक पत्र, तो मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी, आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट भी करना है, पेपर पास में आ रहे हैं बच्चों, देखो एक दिन का गैप भी होता है, एक दिन आपको वीडियो आती है, एक दिन नहीं आती, तो ये काम आपका फिफ्थ क्लास के अकॉर्डिंग ज्यादा भी नहीं है, आपने लिखना भी है और लर्न भी करना है। साथ ही साथ पेज नंबर 37 पे पाठ 7 है आपका वचन, ये भी हम थोड़ा रिवाइज कर ले, ठीक है, पाठ 7 वचन, ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है। वचन क्या होता है, जिन शब्दों से हमें एक या अनेक के होने का पता चलता है कि ये चीज एक है या अनेक है, जैसे मैं बोलूं संतरा, ठीक है, संतरा तो आप बोलेंगे एक है, ये तो एक चीज है संतरा, अगर मैं बोलूंगी संतरे तो वो एक से ज्यादा हो गई ना, तो वो क्या कहलाते हैं, जिनसे हमें एक या अनेक के होने का पता चले वो क्या कहलाता है, वचन, क्या कहलाता है, वचन। अब यहां देखिए,
हमें पता लग रहा है ना, ये एक गेंद है और ये तीन गेंदे हैं। जब हमने गेंदे बोल दिया तो यानी एक से ज्यादा हो गई, और गेंद बोल दिया तो यानी एक है, केला बोल दिया तो यानी एक है, केले बोल दिया तो यानी एक से ज्यादा है। आई होप आपको पहले पूरी नॉलेज है वचन वाले लेसन, हम सेकंड में भी हम पढ़ते हैं इसको, थर्ड में भी पढ़ते हैं, फोर्थ में भी पढ़ते हैं। अब आप फिफ्थ क्लास में हो गए हो तो वचन तो बहुत ईजी सा लेसन है ना, लेकिन वही मैंने बताया कि टाइम टू टाइम हर चीज़ रिवाइज करनी पड़ती है। अब ये देखिए, वचन के जो है दो प्रकार होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन में हमें एक चीज़ का पता चलता है और बहुवचन में हमें एक से ज़्यादा का, जैसे कि मैंने बोला संतरा संतरे। अब इसमें देखिए, इसमें जो है आंखें, ये आपने खुद करना है लेकिन मैं समझा रही हूँ, आंखें यानी एक से ज्यादा होगा तो बहुवचन में संतरे, बहुवचन में पुस्तकें, बहुवचन में शेर, एक वचन में केले, एक से ज्यादा का पता लग रहा है बहुवचन में कपड़ा, एक वचन चाबी, एक वचन कबूतर, एक वचन तितलियां यानी एक से ज्यादा, बहुवचन पक्षी, एक वचन। तो ये आपने खुद लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए, इन्होंने वचन की परिभाषा के लिए संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यही मैंने आपको बताया कि शब्दों के जिस रूप से, अगर आप संज्ञा शब्द ना लिखोगे तो कोई खास बात नहीं, आप शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद मैंने बता ही दिया, प्रकार जो है दो होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन क्या होता है, जिनसे हमें एक चीज का पता चले, और बहुवचन एक से अनेक का पता चले, एक से ज्यादा का। तो संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का पेंसिल महिला, और बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के पेंसिलें महिलाएं तारे तारे आदि। अब इसमें खास बात क्या है, अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्ति के लिए, मतलब अपने से बड़ों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहते हैं कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका जी पढ़ा रही है पे बिंदी लगाइए, है पे बिंदी आ गई तो यानी बहुवचन में बात हो रही है। पिताजी जा रहे हैं, कभी आप ऐसे कहते हो कि पिताजी जा रहा है, बोलते हो ऐसे? नहीं बोलते ना। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम अपने से बड़ों को आदर देते हैं, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है, कुछ शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, आंसू प्राण दर्शन हस्ताक्षर और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। और कुछ शब्द हमेशा एकवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध पृथ्वी घी तेल आदि, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो दो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को दर्शाने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे मैं और कमला भाई बहन है, अब है तो वो एक एक, लेकिन जब दो जनों का आपस में संबंध दर्शाया जाएगा, या कहेंगे हम मैं और राम मित्र है, भाई बहन की जगह मित्र लिख दे, मैं कमला की जगह राम लिख दे, मैं और राम मित्र है, तब भी हम बहुवचन में बात करेंगे। मैं और कमला भाई बहन है, तब भी हम बहुवचन में बात करेंगे। वचन के आधार पर सर्वनाम और क्रिया में भी परिवर्तन आता है। जैसे हम कहें कि राम जा रहा है, अब राम जा रहा है तो हम राम की जगह लिख दे वह, तो वो सर्वनाम हो गया। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, राम जो है संज्ञा शब्द है, तो उसके स्थान पर हमने वह प्रयोग किया तो वो बन गया सर्वनाम, वह जा रहा है। अगर हम कहें कि राम श्याम और मोहन जा रहे हैं, राम श्याम और मोहन जा रहे हैं, तो राम श्याम और मोहन क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है, संज्ञा शब्द है राम श्याम और मोहन। उस
की जगह पे हमने सर्वनाम प्रयोग करना है, तो हम क्या कहेंगे? वे। तीनों के लिए हम क्या कहेंगे? वे। संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? वे जा रहे हैं। तो जब वचन में परिवर्तन आया, सर्वनाम में परिवर्तन आया, वह की जगह क्या लग गया? वे। राम के लिए हमने लिखा था वह जा रहा है, तो रहा है, और जब हमने वे लिख दिया, वह की जगह वे लिख दिया, तो हम क्या लिखेंगे? रहे है, तो परिवर्तन आया ना। ऐसे ही क्रिया में भी, क्रिया में कैसे परिवर्तन आ रहा है? खा रहा है, वह खा रहा है, इसमें क्रिया क्या है? खा रहा है, और वे लगाया तो खा रहे है, तो क्रिया में भी परिवर्तन आ गया। सर्वनाम में भी आ गया वह खा रहा है, वह, तो वह के साथ रहा है लगाया हमने, और वे के साथ रही है लगाया, तो ये तो हो गया वह रहा है, वे रहे हैं, ये तो हो गया सर्वनाम के अनुसार परिवर्तन। वह आया तो रहा है, वे आ गया तो रहे है। क्रिया में कैसे है? वह आ गया तो खा रहा है, खा रहे है, ज्यादा हो गए तो खा रहे है, ठीक है। ऐसे ही ये सारे वचन बदलने के नियम है। अ, अब त में क्या है? पीछे अ है, अ छुपा हुआ, अ का ए बन गया, ए, ठीक है। ऐसे ये सारे, और आ का जो है ए बन गया, आ कपड़ा, आ इसमें आ छुपा हुआ है, ए बन गया कपड़े। तो ये सारे उसके उदाहरण है। आ को ए लगाकर, अब देखिए रे खा, खा ख के बाद आ की मात्रा है ना, तो इसका ए बन गया रेखाएं। ये सारे उसके उदाहरण हो गए। ऊ ऊ या ओ, औ, ऊ ऊ या औ, ठीक है। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, औ की मात्रा में ए जोड़कर, इनमें भी क्या परिवर्तन हो जाता है? वस्तु, वस्तुएं, ए आ गया ये वाला, ऊ की मात्रा हुई, ऊ की हुई तब भी ए आ गया, औ की हुई तब भी ए आ गया, ठीक है। अब ई या ई में या जोड़कर, जब ई आ गई, सॉरी ये रहा ए, ई छोटी की मात्रा ये रही ई, और ई आ गई, या ये ई सही ऐसे ही लिखा हुआ आ गया, या ई की मात्रा आ गई, तो तब वो क्या बन जाता है? या दवाई, छोटी बन गया इसका, और या चांद मक्खी, छोटी की मात्रा बन गई या चांद बिंदी, और इसमें भी देखिए छोटी की मात्रा है, तो वो भी पीछे में बाद में क्या आ गया? या। ये उसके उदाहरण हो गए। या को या कर देने पर चिड़िया, या आ गया तो चिड़िया, या गुड़िया, या गुड़िया, ये उसके उदाहरण हो गए। अब संज्ञा शब्द के अंत में वर्ग, जन, वृंद, लोग, गण लगा देने पर, ये उसके उदाहरण है। छात्र, छात्र, गण, गण, ठीक है। गुरु, गुरु जन, युवा, युवा वर्ग, ये बहुवचन में दर्शाने के लिए। पक्षी, पक्षी वृंद होता है, ठीक है। नारी, नारी वृंद, लोग, तुम लोग, हम लोग, दर्शक गण, ये उसके उदाहरण हो गए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे फूल, साधु, पेड़ आदि, यदि इनके साथ पर, में, ने से आदि लग जाए तो इनका रूप बदल जाता है। जैसे साधु तप कर रहा है, में साधु शब्द समान है, साधु तप कर रहे हैं, साधुओं ने तप किया, साधु तप कर रहा है, साधु तप कर रहे हैं, दोनों में साधु साधु ही आया, चाहे रहा है चाहे रहे हैं, लेकिन जब हमने किया साधुओं तब आ गया ने। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द का एक रूप एक वचन और एक से अधिक रूप बहुवचन। अपनों से बड़े के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों आपने ये अच्छे से रिवाइज करना है, पत्र जो है अपनी बुक कॉपी में लिखने भी है और लर्न भी करने हैं। ओके, टेक केयर।